कृपया ध्यान दीजिए, 12314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय भीम जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। शाम के लगभग 8:15 बजे हैं और मैं सियालदह से बड़ा बाजार की तरफ जा रहा था पैदल और मुझे ये पोस्टर चिपकाते हुए कुछ लोग मिले मजदूर क्रांति परिषद के, जिसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव में जनता के सभी संकटों का स्रोत मोनोपोली कैपिटल और फासिस्ट RSS द्वारा परिचालित भाजपा को अलग थलग करें। बड़े उत्साही लोग हैं और बाल्टी दिखाइएगा, इसमें गम है, गोंद है और ये कुछ पोस्टर्स हैं जो ये शहर में चिपकाने निकले हैं लोग, और ये यही पोस्टर हैं जो चिपकाए गए हैं। तो सबसे पहले तो दादा आप आगे आ जाइए, आप ये बताइए कि आपको क्या वाकई लगता है कि इस तरीके से पोस्टर चिपकाकर या लोगों से मिलजुलकर बातचीत करके बहुत मामूली पैसे से भाजपा को अलग थलग किया जा सकता है? हमारा ख्याल है कि हमारे बंगाल में अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा का जो कानून है, किसी क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, सभी कुछ जनता के खिलाफ है। आम जनता में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है जो कि भाजपा के विपक्ष में जाएगा। अच्छा, पहले तो बताइए कि आपका संगठन क्या है, मजदूर क्रांति परिषद किन लोगों के लिए काम करता है, आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है? हमारा मजदूर क्रांति परिषद जो है मजदूर वर्ग का अगुआ जो लोग हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। उनका संगठन है। जैसे हम पहले BSNL में नौकरी करते थे। कहाँ? BSNL में। अच्छा। अभी हम रिटायर्ड है फिर भी हम इस काम में जुटे हुए हैं। तो BSNL को बेचने से तो नहीं रोक पाए? नहीं, हम तो पहले रिटायर हो गए 2014 में। बेचने का जो है पूरा माहौल तैयार किया है 2020 में। हाँ, नहीं रोक पाया हम लोगों ने। तो अब ये बताइए कि भाजपा को अलग थलग करने की बात आप कर रहे हैं, तो फिर जनता किसके साथ जाए? CPM के साथ जाए कि कांग्रेस के साथ जाए कि तृणमूल के साथ जाए? कुछ क्लैरिटी आप लोगों के मन में है? नहीं, हम लोगों का ये कहना है कि भाजपा जो माने अपना मुखौटा लेके सामने आ रहा है वो भयंकर है, वो हम लोगों को, वो तो ठीक है लेकिन लोग जाएं किसके साथ, सॉल्यूशन क्या है? वो हम लोगों को हिटलर का बात याद दिला देता है। अच्छा। हम लोगों ने इस बात को छोड़ दिया है कि कम से कम BJP को रोको और किसी को भी तुम वोट दो लेकिन BJP को मत आने दो। अच्छा, BJP को नहीं बाकी किसी को दे दो? बाकी किसी को दे दो, तुम्हारा मर्जी है। अच्छा। हाँ, आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम श्रीनिवास पट्टनायक, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा? हाँ, से? हाँ। अच्छा, और यहाँ आप मजदूर क्रांति परिषद? मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं प्लास्टिक उद्योग में जुड़ा हुआ हूँ और इनके प्रवासी मजदूर। मैं प्रवासी मजदूर हूँ और जब से 30 साल मैंने नौकरी किया यहाँ पे, हाँ, दिल्ली सेक्टर में भी किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी किया, और प्लास्टिक का कोई भी ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है। जब से ये सरकार आया है इतना दुर्नीति और श्रमिक का जो अधिकार था, जो थोड़ा बहुत अधिकार या नीति था, जो कानून था, इसको ओलाद फलत करके बर्बाद करके आज हम लोग को एकदम दरकिनारा कर दिया गया। इसका ऊपर इनका कोई जरा सा भी मजदूर के लिए, हित के लिए कोई भी कानून इनका पास है ही नहीं। जब मजदूर कुछ करे, तो पहले वाली सरकार ठीक थी मनमोहन सिंह की? देखिए, पहली सरकार तो शोषण तो पूरा पीढ़ी से ही आ रहा है। समाज को, व्यवस्था को ठीक करने के लिए, मजदूर वर्गों को सही दिशा दिखाने के लिए, संगठित करने के लिए हमारा मजदूर क्रांति परिषद का इसी उम्मीद को लेकर के, इसी संगठन को बना करके श्रमिक को। ये जो आपका सवाल है ना, इस सवाल पर एक ही बात कहा जा सकता है। पहले हम लोग तो गरम कड़ाही में थे, अभी हमको उठा के खोलता हुआ तेल में फेंक दे रहा है। अच्छा, BJP आएगा तो हमको खोलता हुआ तेल में गिरा देगा। तो हल क्या है?
हल हम लोग संगठित करके इसको आगे बढ़ाऊंगा और सरकार के खिलाफ मैं ये देखूंगा कि आज जनरोस जो हो रहा है इसका सही रास्ता यही है कि मजदूर वर्गों को सामने आकर के इनको अधिकार को स्थापना करने के लिए इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपके संगठन में कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? सारे मजदूर वर्ग इसी में ही है। अच्छा। हम लोग का जो नाम है मजदूर क्रांति परिषद, इसका असल उद्देश्य है कि आप लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी जो मजदूर हक के लिए, जो मजदूर को हित के लिए जो सोचेगा वही पार्टी हम लोग के लिए। वो तो बीजेपी भी कहती है। सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन लेके हम लोग कोई काम नहीं करता है। अच्छा। हम लोग करते हैं मजदूर वर्ग का, जो अगुआ मजदूर लोग है उन लोगों का संगठन करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये पोस्टर चिपका रहे हैं, ये दिन भर आज सवेरे से आपने अभी तक कितने पोस्टर चिपकाए हैं? अभी तो सुबह से हम दोपहर तक हमने पोस्टर छुपा था। कितना लगभग? अभी तो सब मिलिए 800 पोस्टर हमने छुपा है। एक दिन में? एक दिन में 800। अच्छा। हमारा जो आपके हाथ में भी पोस्टर है, आप भी पोस्टर चिपका रहे हैं? हाँ जी हाँ, चिपका रहे हैं, एक ही साथ ही चिपका रहे हैं। आपको कोई उम्मीद लगती है कि हाँ इसे पोस्टर चिपकाने से सचमुच में कुछ लोगों पर फर्क पड़ेगा? कुछ लोग आपसे बात करते हैं कि क्या चिपका रहे हैं इस तरीके के? जो अभी जो पूंजीपतियों का आप जो पोस्टर देख रहा है, जो मोनोपोली जो पूंजी है, जो एक चेटिया पूंजीपति जो है, जैसे कि अदानी अंबानी जो है, ये जो पूंजीपतियों का जो शोषण जो हो रहा है हमारा समाज में, ये पूंजीपति का शोषण का खिलाफ हम लोग नाराबाजी किया है, हम लोग आवाज उठाया है। अच्छा। ऐसे हमारा जैसे और भी संगठन, कई संगठन ऑल इंडिया में भी है। हम ऐसे सोचता है कि हम सब अकेला एक संगठन नहीं है। अच्छा। तो ऐसे करके हर जगह में अगर छोटा छोटा संगठन अगर आवाज उठाएगा तो आवाज खूब कोई ना कोई आवाज होगा। और जो आप जो बात है, देखिए इधर आ जाइए, बात है कि किसी भी अगुआ सोच, अगर हम लोग कोई एकदम यूनिक कोई आदमी नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले रुकिए, ये हम बोल रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा एडवांस कुछ वक्तव्य ये होगा ही, ये वक्तव्य केवल हम नहीं, हमारा साथ साथ पूरा इंडिया में बहुत सारे लोग, पूरा आवाम आपका करता है काम। अच्छा, पूरा आवाम। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद सनेमाज। अच्छा, क्या करते हो? काम क्या करते हो? कार्टून पेशिंग का पंचिंग का कारीगर है हम। अच्छा। एसके एंटरप्राइज सुशील बाबू। अच्छा, तो इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं है, इतने गुस्से पे नहीं, आपको बोल ले हम। अच्छा, डर में हो? डर पे। किससे डर है? जीना है बस, सिर्फ के लिए माँ बाप के लिए और किसी के लिए नहीं। अच्छा। काम काज है, कार्टून पेशी का पंचिंग का कारीगर है। अच्छा। ऐसा कोई ऐसा बात रहेगा स्कैंडर प्याज को सीधा कॉल करना बस। अच्छा, और कोई बात है? वही बोल रहा है, देखिए हम नहीं, हम ये सोच रहे हैं, मतलब और बहुत सारा आदमी ऐसा सोच रहा है। हम लोग ये संगठन के बारे में बोल रहे थे, हम लोग ऐसा कुछ संगठन बनेगा, हम लोग जैसे सोचते हैं ऐसे कुछ इंडिविजुअल है, आदमी है, संगठन है, सभी लोग ऐसा सोच रहा है ऐसे होगा। और बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं दूसरे, इसी के खास करके देखिए, मतलब आज 100-200 साल पहले आप हमारा जो अगर दादा परदादा का बात देखते थे, उसी टाइम अगर पॉक्स होता था तब क्या है कॉलेरा होता था, उसी टाइम हम लोग मैंने बहुत बैकवर्ड थे, हम लोग क्या करते थे, पूजा करते थे और मानते थे कि शीतला पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, बीबी का पूजा करेंगे, हमारा क्या वो जो बुखार खत्म हो जाएगा। आज उसी का 200-300 साल बाद ये बीजेपी हमको आज समझा रहे हैं कि घंटी बजा के क्या होगा, कोरोना निकलेगा। मतलब ये इतना घटिया नहीं, इतना बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा समाज को वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, साइंटिफिक के हमको 200-500 साल पीछे ले जा रहे हैं भाई। मैंने क्या बोलेंगे, आदमी जो सोचेगा कुछ लॉजिक रहेगा ना, ये लॉजिक से नहीं सोच रहे। एक आदमी को क्या बना रहे हैं, एक आदमी को वो पैदा कर रहे हैं, ये अगर सोच ये सोचे तो आपको लगता है ममता बनर्जी लॉजिक से सोच रही है? ममता बनर्जी, हम लोग देखिए दादा, देखा हम लोग सब सभी को, कांग्रेस का भी देखा, CPM का भी देखा, वो लोग कैसे समाज बनाना चाहता है वो लोग हम लोग को पता चल गया। ममता भी क्या करना चाहते हैं, भीख दे के वो भी हम लोग को पता चल गया। कांग्रेस का जो देखे हैं वो बोलने से शर्म लगेगा। हमारा पिताजी 5 साल जेल में थे, हमारा तो जो परदादा था
वो 20 साल जेल में थे, वो अलग बात। हम देखते 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 अभी क्या देखिए, ये देख रहा है कि ये जो कर रहा है, मैंने इसका बराबर कोई आएगा ही नहीं है, बात ये हो गया है, समझे ना। मैंने ये जहाँ हमको सोसाइटी को ले जाएंगे, ये हर आदमी को क्या, ये एक हर आदमी का एक तो कतिल बनाएगा, हर आदमी को वो उसको ऐसा ही चाहिए, हर आदमी को कातिल बनाएगा, एक एक करके क्या वो कैसे, मैंने मारने के लिए एक तो क्रिमिनल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, हर आदमी को क्रिमिनल बना देगा, एक एक करके चुन करके उनका अंदर क्या है। हाँ, इतने सारे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, कैसे समझेंगे भाई। एक ही बात से हम बोल रहे हैं कि वो लोग बोल रहा है कि देखिए यहाँ, देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहा है कि वो किसी भी गवर्नमेंट महीने में 5 किलो चाल दे रहा है करोना के लिए, ये लेखा एक दिन का क्या, वो तो काम करते थे उससे हम, वो लोग क्या छीन रहा है 30 डेज का जो रोज है वो छीन लिया, दे रहा है 5 किलो चाल, और क्या बोल रहा है, दे रहा है। अरे बेटा पहले ये बोल कि ये जो आदमी, ये आदमी का हम 30 डेज का वेज खींच लिया, ये 30 डेज का वेज दे दिया कोरोना को रुकने के लिए। अच्छा, सही बात है। तो इसी तरीका से सोचो तो उनको वो दे रहा है 30 डेज का रोज कोरोना को रोकने के लिए, देश को कोरोना से बचाने के लिए 30 दिन का ये दुकानदार क्या किया गया, 30 दिन दुकान बंद रखा, 5 किलो चाल दे दिया, बोल रहा हम दे रहा है। अरे साला ले लिया, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इन लोगों को देखकर एक शेर याद आता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आर्टिकल 19 इंडिया पर इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।